क्या नाम है आपका? जी हनुमान नाम है हमारा। क्या मामला है आपका? जी हमारी लड़की अपने ससुराल में थी, वहाँ उसको मार के लटका दिए फांसी के फंदे पे। सास और नंद और कुछ लोग और थे, उसने साहब उसको मारा, वो बहुत मारा, मार पीट के उसको साहब फांसी के फंदे पे लटका दिया। और फांसी के फंदे पे लटका के उसके पैर जमीन में धरे थे, हम जब सोच ना पाए तब वहाँ आते, जब वहाँ देखा साहब भीड़ लगी थी, तब हम गांव वाले से पूछने लगा क्या, तब गांव वाले बताए कि आपकी लड़की ख़त्म हो गई। तो सर वो दो मंजिले पे थी, जब वहाँ हम पहुँचे तो हमारी लड़की वहाँ फांसी के फंदे पे लटकी थी। तो जब वहाँ लटकी थी तो हमको वहाँ देखने भी नहीं दिए पहले, जब देखने नहीं दिए तो हम नीचे उतर आए। उसके थोड़ी देर बाद सिपाही लोग पहुँचे, तब हम उनके पास में गए, तब हमने उसको फिर देखा, उसको देख डाक के तुरंत लाश को उतरवा लिए। लाश को उतरवाने के बाद में तुरंत थाने गए रिपोर्ट करने। जब वहाँ रिपोर्ट करने गए तो हम दरख्वास्त लेके वहाँ थे, तो एसओ साहब ने बताया कि आपकी दरख्वास्त गलत है, आप इस दरख्वास्त पे कुछ नहीं होगा तुम्हारा, आप जाओ दूसरी दरख्वास्त लेके आओ। हमने कहा साहब ये दरख्वास्त हमारी सही है, हमारी लड़की मारी गई है, मार के लटका दिए हैं लोगों ने, इन लोगों ने हमारे साथ अत्याचार किया। साहब हमको फैसला चाहिए, हमको निर्णय चाहिए, हम अपना खेत बेच के अपनी लड़की की शादी किया है, और साहब हम कर्जे आए हैं, अभी कर्जा नहीं दे पावा है। लेकिन साहब वो तस्दीक का हमें माना नहीं गा, हमका गाली देने लगे, हमको बकने लगे। जब बकने लगे तो साहब हम घबरा गए, तो साहब हम कुछ बोल नहीं पाए उस जगह पर। जब हम बोल नहीं पाए तो उन्होंने कहा कि जाओ दूसरी तस्दीक लेके आओ। तो हमने कहा कि साहब हम अब दूसरी तस्दीक कहाँ से लेके आएं, हमारे पास जो है वो सत्य है, असत्य नहीं है। तो कहा नहीं ये सही नहीं है। हमने कहा कि साहब अगर ये सही नहीं है तो आप